अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और अंजलि मुद्रा। कश्मीर सिचुएशन के हवाले से इस खुसूसी प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। अच्छो जी, स्वागतम, कमाई सदक, वेलकम एंड ऑल वर्ड्स ऑफ रिसेप्शन एंड ग्रीटिंग। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ज्यादातर जो लंदन में मजाहरे हो रहे हैं अगले चंद दिनों में। एक तो कल हो रहा है लंदन पार्लियामेंट स्क्वायर से जो शुरू होगा, और दूसरा ओल्डम में हो रहा है, ये भी पार्लियामेंट स्क्वायर में ही हो रहा है 7 सितंबर को, सैटरडे को। ये जहां हो रहा है उस जगह का नाम पार्लियामेंट स्क्वायर है, और जो कल हो रहा है वो जो असली पार्लियामेंट है उसका जो स्क्वायर है उसमें हो रहा है, लंदन में। तो ये दो मजारे हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ कुछ मेहमान थोड़ी देर में आकर मिलेंगे, जनाब जावेद इकबाल साहब लंदन से, उम्मीद है कि हमारे साथ मिलेंगे, जो लंदन मजाहरे के हवाले से खासे मुतर्रक हैं और खासे आगाह हैं कि क्या हो रहा है। और फिर मेरे साथ आएंगे जनाब तहसीन गिलानी साहब, जो कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सदर हैं बरतानिया के, और इस मजाहरे के इंतजाम के हवाले से शुरू दिन से वो कायदाना किरदार अदा करते आ रहे हैं। और ये मजाहरा जो बरतानिया, गालबन ये पहला मजाहरा है दर हकीकत जो बरतानिया में मुख्तलिफ कश्मीरी तंजीमों ने मिलकर जिसका एहतमाम किया है, और उसको जो नाम दिया गया है कि ये किसकी तरफ से है, ये पहली बार उसको ब्रिटिश कश्मीरी का नाम दिया गया है कि ये ब्रिटिश कश्मीरी की तरफ से है। तो मेरे साथ जावेद साहब लॉबी में मौजूद हैं, मैं थोड़ी देर में उनके साथ बात करूंगा तफसीलात के हवाले से, और जब तहसीन गिलानी साहब कुछ देर में आएंगे तो उनसे भी बात करेंगे। ओल्डम के मजाहरे के हवाले से मैंने जो यहाँ के जो मुंतजमीन हैं उनमें से कुछ लोगों से आज बात की थी, जाहिर है शॉर्ट नोटिस है, तो उन वो कह रहे थे हम कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से कोई अवेलेबल हो जाए, अभी तक उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, तो अगर आया तो मैं उनको भी ले लूंगा और उनसे बात करेंगे। लेकिन ओल्डम के बारे में मैं खुद भी आपको बता दूं कि ओल्डम में जो हो रहा है ये मुज़ाहरा, ये सैटरडे को हो रहा है, और सैटरडे ये जैसे मैंने पहले कहा है ये हो रहा है पार्लियामेंट स्क्वायर ओल्डम में, एक जगह है ओडियन सिनेमा जिसको मेरे ख्याल में तकरीबन सभी लोग जो ओल्डम में रहते हैं और गिर्द नवाब है भी जो शॉपिंग के लिए यहाँ आते रहते हैं उन सब को ओके वो सब जानते हैं कि यहाँ पर जो पार्लियामेंट स्क्वायर है वो ओडियन सिनेमा के पास है, और यहाँ ये ओल्डम वाला जो मजाहरा है ये सैटरडे 7 सितंबर को होगा 2 बजे से 4 बजे तक, सैटरडे 7 सितंबर 2 से 4 बजे तक। तो ये जो ओल्डम का मजाहरा है इसके बारे में हम मजीद प्रोग्राम करेंगे और आपको उसकी मजीद तफसीलात से भी आगाह करेंगे, लेकिन जो आज तक मेरे पास इस वक्त मालूम है उसके मुताबिक ये अगले सैटरडे को होगा 2 से 4 बजे तक, और ये पार्लियामेंट स्क्वायर जो ओडियन सिनेमा के साथ में है, बाकी जो मुख्तलिफ वहां से जो है ना उसमें काफी जगह है, खुली जगह है जहां पर ये मुजाहरा होगा। और दूसरा जो हो रहा है वो कल हो रहा है लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर लंदन से, उसका आगाज होगा, फिर डाउनिंग स्ट्रीट में कोई पिटिशन दी जाएगी या कोई मेमोरेंडम दिया जाएगा, और फिर ये मुजाहरा मार्च करता हुआ इंडियन सफारतखाने की तरफ जाएगा जो वहां से तकरीबन 1 मील के फासले पर है, और 25 मिनट आधा घंटा वहां से लगता है आहिस्ता आहिस्ता चलकर वहां तक जाने में। तो ये तो इतलात हैं जो मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन
अगर अभी तक का जो रिएक्शन है वहां की जो सूरत हाल है उसमें तो कोई बड़ी तब्दीली उस तरह से नहीं आई है। वही वैली में खास तौर से जो सूरत हाल है वो खासी इस हवाले से परेशान कुन है कि वहां पर जो मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग जख्मी हुए एंड आई एम ग्लैड टू सी तारक रफीक इन द लॉबी एंड ही इज वन ऑफ द मेन ऑर्गेनाइजर्स फॉर द ओल्डम डेमो सो होपफुली आई विल ब्रिंग हिम अप वेरी सून सो वी विल हैव समबडी फ्रॉम ओल्डम डेमो एंड मीनवाइल मैं आपको ये बता दूं कि वैली में इस वक्त सूरत हाल यही है कि 28 दिन के बाद भी वहां पर जो कम्युनिकेशन ब्लॉक है वो जारी है और लोगों का एहतजाज भी जारी है। वहां के मुख्तलिफ जो भी खबरें जिस तरीके से भी बाहर आती हैं उनसे ये एस्टेब्लिश्ड है इंडियन मीडिया के जरिए भी कि वहां पर एहतजाज होते हैं जूं ही लड़कों को मौका, खासकर ज्यादातर लड़के जो एहतजाज करते हैं लेकिन सिर्फ लड़के नहीं करते हैं, मुख्तलिफ लोगों को जो मौका मिलता है और जख्मी भी हो रहे हैं लोग, पैलेट गन का इस्तेमाल जारी है और आज की जो ताजा तरीन इतला है उसके मुताबिक पैलेट गन से जख्मी होने वाले लड़के बहुत से जो हैं वो अस्पताल नहीं जाते, वो खुद ही उसका कुछ ना कुछ इलाज करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अस्पताल जो जाते हैं उनको फिर ये भी खतरा होता है कि उनको वहीं से पकड़ के जो है ना गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस सूरत हाल की वजह से अब ये भी खबरें आ रही हैं कि वो अस्पतालों की तरफ जाने से एतराज करते हैं। तो ये सूरत हाल वहां पर संगीन है, वो उससे भी दिन ब दिन जाहिर है जो जो ये पाबंदियों का अरसा तवील होता जाता है लोगों की मुश्किलात में इजाफा होता जाता है। और लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि ये जो कर्फ्यू है ये सिर्फ वादी कश्मीर में नहीं है, ये पीर पंजाल के इलाकों में है, ये पुंछ के इलाकों में है और ये कारगिल के इलाकों में भी है, वहां भी लोग उसी तरह घरों में बंद है। अलबत्ता ये है कि इन इलाकों में मजामत की शक्ल उतनी शदीद नहीं है, कारगिल में हड़तालें हुई हैं, मुजाहरे हुए हैं, बाकी इलाकों में भी जाहिर है उसके बारे में रिजेंटमेंट मौजूद है लेकिन उस तरह से शदीद एहतजाज नहीं है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि ये सिर्फ एक इलाके में नहीं है, उस रियासत के मुख्तलिफ खित्तों में ये सूरत हाल है। तो लेट मी ब्रिंग तारिक रफीक हेयर इन आवर virtual studio and ask him about the Oldham demo. Tarek, thank you very much for joining us. Assalamu alaikum, Shamas, can you hear me loud and clear? Yes, loud and clear, and I'm glad that I can hear you because usually it's very always some technical issues. But anyway, thank you very much for joining us, and can you tell our viewers about the Oldham protest, how, you know, when it is, where it is, and you know what you expecting and why you organize this and who is involved and all that? Okay, first and foremost, as you rightly said in your piece before I spoke about the atrocities that's ongoing in the Kashmir region, and I think since we've had the blackout, I think it's 23 days and counting, if not more. Yes, 27. Yeah, 27, there's been a very strong feeling, especially amongst the young people here in Oldham, that look, now is the time that we really need to step up to the plate and help those people that really need our help and somehow make a difference. I know, you know, there's a lot of families, especially in Oldham, that are affected by especially what's happening in that region. And so we've tried to mobilise the energy from some of our youngsters here in Oldham and say, look, let's go out and protest. Let's think about ethical shopping. Let's lobby our MPs. So to date, the Oldham Free Kashmir group has been to London twice. They're going again tomorrow. They've had meetings with MPs. We helped organise the Manchester demo, which happened this Saturday gone, which had a very good turnout. And so slowly but surely, we're now educating, especially our youngsters, on how they can actually engage in something which is so important to all of us. And you know we wasted many opportunities in the past to really make a difference. Now is the time to really stand up, you know, and be counted. So
And it's not just for people from the Kashmir region. It's a world global issue. You know, the violation of human rights is a global issue. It's not just for people here in England. It's for people all over the world. So, you know, we need to make that concerted effort, like I said before, you know, to stand up and be counted and do the little bit that we can, you know, for the people in Kashmir. I know, you know, we can never feel what they are going through. But what we can do is we're living in a democratic society. We have the right to vote. We have legal representation, you know, and yes, we're living in a democracy and we can make that count. Yeah. And what sort of publicity and mobilization you have done so far, Tariq? So far, you know, I can send you all the links. You know, we've got a Facebook page, Free Kashmir Oldham. You know, we've got lots of publicity done. We've just sorted out a banner campaign. We're on Twitter. I can send you all the relevant information. But the event itself is this Saturday, the 7th of September, 2 o'clock start till 4 o'clock. It's in Parliament Square, which is in Oldham, because sometimes people get confused, Parliament Square, and they think, oh, London. It's actually Parliament Square in Oldham, and it's next to TJ Hughes, for those people that don't know. TJ Hughes, near the new cinema. And it's going to be probably... My intention and my ambition is that it will be the biggest protest in the Northwest. I think, you know, a lot of people went to Manchester, a lot of people have gone to London, a lot of people have even gone to Birmingham and Bradford. But we're really going to push things out, and hopefully we can make some real noise in Oldham on Saturday. But also, we can also educate the masses on how to shop appropriately. Let's do some real damage to the Indian government around what we buy. You know, it's known as ethical shopping, but, you know, we've still got people that are propping up the Indian economy. And we need to strike while it's hot. So basically, you know, we need to educate our mothers, our sisters, our friends, you know, not just people from Kashmir, but from across the region on how they can really make a difference for the people in Kashmir. Yeah. Okay, and what are the do's and don'ts for the day, Tariq? Because obviously that's very important. People should be aware of that. This whole protest is about the people of Kashmir, right? It's not about, you know, giving prominence to the Indian government. We don't want any abusive or, you know, slogans against the Indian regime. Yes, we know they're an oppressive regime, but it's about highlighting the human rights violations which are going on in Kashmir. And, you know, we've got organisations like the Sandworth Peace Movement who are going to join us, Oldham Peace and Justice Movement, the Friends of Palestine, Manchester, CND. We've got a whole range of different organisations who are experts in the field of lobbying. And, you know, they're going to come on the day, they're going to support us. But the main thing is not to shout out abuse. It's not to make remarks, you know, which are offensive to others, but it's about, in a respectable way, let's highlight the atrocities that are going on in that region and take forward our positive campaign forward around ethical shopping, around what we can make how we can make a difference, around the people that want to volunteer. Because like I was saying to a friend today, this is not a sprint, this is a marathon. You know, it's no use having a protest and then we all go to sleep for another year. It doesn't work that way. What we've got to do is we've got to make sure it's a campaign. We're in for it for the long haul. We're not here for the short term. You know, come and say your two words and then go home. The Kashmiri people don't want that. The Kashmiri people want us to be, you know, with them side by side for the whole journey, not part of the journey. So I'm saying to people, look, don't just come to the protest, yeah, and feel that you've done your part. That's the process is the start. That's the start of the journey. The end is when the people of Kashmir are free. Yeah, and I'm glad you mentioned is the campaign side of it, and I know that in Oldham, when I came in late 1880s and early 90s, there was a very strong anti-apartheid campaign in Oldham, and obviously then I found out it was very strong in Britain as well, and there were a lot of activists who were living in Oldham. I wonder if any of them has got engaged with this, or you know. I don't know whether you remember a very good activist called Mike Luft. Mike Luft is a campaigner. Although he's Jewish himself, he's campaigned for the Palestinian people for many, many years, many decades. Yeah.
And you know, it's people like Mike and you know the Saddleworth Peace Movement, who are going to be, you know, side by side with us on the day. In fact, they've already supported. They've said, look, use our banners, use us as publicity. We're going to come and speak on the day. You know, we had Extinction Rebellion that were doing a protest in Saturday in Manchester. They've asked if they can come and speak as well. Great. Because they said, look, we don't need to concentrate on arms. We need to be concentrating on freedom and how we can sustain the poor nations. So, you know, we've got lots and lots and lots of people who, you know, who share our pain. And we've really got to make it count. If we don't make it count, and like I said, if we just come for the day, it's a day out. We'll shout a few slogans and we'll go home. It's not what the Kashmiri people want. The Kashmiri people want our commitment from the start of the journey to the very end. And it's not about just going there and making it. We don't need people for numbers. What we need people for is positive action. Yeah, you know, for the long haul and not for the short haul. Certainly. And I'm sure we will speak again, Tariq, about this protest because it's on 7th of September. And hopefully we will do some more publicity and I will have all the banners and posters to show on screen. And hopefully, Shamus, we can do a live Facebook feed on the day. We will do that. Certainly we'll do that. Our friends from Oldham, Salamat and Parvez and Wahid, yeah. The whole team is ready. They will do it, inshallah. And is there anything particular you want to say, Tariq, which I've not asked? No, I mean, like I said, we're very grateful for you to ask us to come on and really talk a bit about the plight of the Kashmiri people, but more so to help us advertise our unique event, which is taking place again on Saturday, the 7th of September, 2 o'clock, Parliament Square. And everybody's welcome. It's a family event. It's not just only for males. We want people to bring their children. Very important point, yeah. Their wives, their sisters. We want everybody because the Kashmiri issue is from the child right to the very elderly person. And so we want people to make a family event. You know, let's come. Yeah. Let's enjoy. Let's embrace ourselves. Let's sign the petitions. Let's lobby our MPs. There's going to be an MPs corner there. Let's lobby our MPs. Let's lobby our elected representatives that are also going to be there. So, you know, let's come out, make a difference and move forward from there. Yeah, certainly I can tell from my house that everybody is coming and you, my wife used to, Tariq know that we've been campaigning for 30 years, but she used to say this is all men thing, but now it's all family and children. Everybody knows, everybody is coming and I am sure that this will be the biggest event of Asian community in Oldham. Thank you very much. Yeah. Great, Tariq. Great. Thank you very much. All the best. Thank you. Bye. And we will keep campaigning. Thank you. Jazakallah. And this was Tariq Rafiq from Oldham, who is one of the lead organizers for the march in Oldham. In fact, in Oldham, there is a group formed, Free Kashmir Group. And that group is a mixed group of British Kashmiris, British Pakistanis, British other communities. So this kind of process is taking place in different towns and cities where people who have been involved in different campaigns gradually getting connected, coming together for the first time around Kashmir issue. Because like I said earlier that where, you know, people been campaigning for self-determination for Kashmiri people since 1950s in Britain. Our, you know, grandparents' generation, they were part of that campaign. But for the very, very long time, it confined to very active citizens of Kashmiri community. But now particularly after this, certainly, it did change after 1987-88 when the uprising was started in the Indian occupied side of Kashmir against the Indian occupation. But after this step taken by BJP government to unilaterally change the status of the state of Jammu Kashmir and also
turning it into Union territory, basically unilateral annexation at the gunpoint. That is the only way of describing what they have done in the name of constitutional changes. So after that, people have certainly come together, and the Kashmir Kashmir campaign is connecting with all other campaigns for human rights, for justice, and for freedom. So this is something which is emerging in Britain, in almost all towns and cities. That is something which we can see as positive in terms of resistance. And also, like I said earlier, jaise maine kaha tha ke it's not only Valley and it's not only Muslims who are being suppressed and suffering because of this. In Valley, there are 60,000 Sikhs and 5,000, around 5,000 Pandits who are still living there. So they are also facing the problems which are caused by this 24-hour curfew in his 28th day. So all these people are suffering, and also the general perception is that maybe there's no reaction in Jammu because it's Hindu majority and every Hindu is celebrating. That is not the case. There are people who are strongly opposing this move in Jammu as well. And ye jo mere paas news aayi hai ki is waqt Jammu mein Gulchain Singh Charak Sadar Dogra Sabha samet unke sab leaders girftar hain. Congress ke Dogra leaders Vikramaditya Raman Balla Ghulam Ahmed Mir samet sab Dogra leaders girftar hain. Dogra Swami Sangathan ke leader Chaudhary Lal Singh samet unki puri team girftar hai. Aur ye jo hai ke ye aur Ladakh ka bhi maine pehle zikr kiya ke Kargil mein iske khilaf bharpoor hartal bhi hai aur wahan par bhi curfew hai. So ye jo taasir hai ke ye sirf Wadi Kashmir mein ho raha hai, iska ye matlab nahi hai ke Wadi Kashmir mein jo ho raha hai usko कम करके बयान करने की कोशिश है कोई, लेकिन पूरी बात होनी चाहिए. जहां भी रियासत के जिस हिस्से में भी इस इकदाम के बाद जिंदगी लोगों की जिंदगियां मुश्किल हुई है, हमें उन सब की बात करनी चाहिए. और इस वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल दोज पीपल इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, द पार्ट दैट इज एडमिनिस्ट्रेटेड और कंट्रोल्ड एंड नाउ आई वुड से ऑक्युपाइड बाय इंडिया, बिकॉज as per United Nations resolution of 1947, it was neutral term used by all over the world, the Indian administered Kashmir and Pakistani administered Kashmir. But now, because India has unilaterally breached all those contracts and pledges, so I can't find any other word to describe the Indian side of Kashmir state apart from Indian occupied Jammu Kashmir and Ladakh. So that is what it has turned into. Aur yahan main baat kar raha tha ke jab mere sath Tehsin sahab judenge abhi to aur Javed sahab mein se jo bhi juda to hum baat karenge London ke mazahire ki tafseelat unke sath, aur agar na kisi wajah se aa sake to main aapko tafseelat dobara bata dunga. लेकिन मैं बात कर रहा था कि यहाँ बरतानिया में इस वक्त तक जो रद्द अमल हुआ है 4 अगस्त की रात के बाद, उससे पहले स्पेकुलेशन जब हो रही थी तो हम बहुत से जो दोस्त थे जिनका कहीं ना कहीं वहां आप सोशल मीडिया की वजह से बहुत से लोगों के साथ रबते थे, तो हम पूछ रहे थे कि क्या मतलब क्या होने जा रहा है. तो किसी को कुछ मालूम नहीं था. नईमा मैजूर जो बड़ी ममताज सहाफी हैं, लिखारी हैं, बरतानिया में ज्यादा अरसा रहती हैं, बीबीसी के साथ काम करती थी, वहां पीडीपी हुकूमत में भी मौजूद थी, ख्वातीन के हकूक के हवाले से उनके पास खासी सीनियर पोस्ट थी, और बुजाहिर है उनका हुकूमत के अंदर तक उनकी रसाई थी, उनके जानने वाले थे. तो वो भी कह रही थी कि कुछ पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि गवर्नर तक को खबर नहीं थी कि कल क्या होगा.
इस वजह से वहां उस दिन से ही वहां पर जो लोगों की मतलब तशवीश तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब ये हुआ है तो उसके बाद से फिर जो यहाँ पर रिएक्शन है वो उसमें भी दायरे शिद्दत आई है, बरतानिया में खास तौर से और अमेरिका में, यूरोप के मुख्तलिफ जगहों में जहां पर कश्मीरी आबाद है। तो ये जो रिएक्शन है इसको पहली बार, जैसे मैंने कहा कि इस सतह पर जो हो रहा है ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक तो बिल्कुल वाजिया बात है कि इतने लोग जो बाहर निकल रहे हैं मुख्तलिफ शहरों में, मतलब इस वक्त तक शेफील्ड में 2 मुजाहरे हो चुके हैं, ब्रेडफुर्ड में हो चुके हैं, बर्मिंघम में 3-4 हुए हैं, मैनचेस्टर में 2 हो चुके हैं, और वेकफील्ड जैसे शहर में मुजाहरा हुआ है, लीड्स में हुए हैं, लंदन में सबसे बड़ा जो मुजाहरा हुआ था 15 अगस्त को, 13 3 सितंबर कल वहां पर एक और बड़ा मुजाहरा होने जा रहा है, और उसके बारे में कहा जाता है कि ये शायद उससे भी बड़ा होगा। तो ये जो मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए, हाई वैकम में मुजाहरा हुआ है, तो ये पहले कभी नहीं हुआ था। तो इस लिहाज से ये पहली बार हुआ है कि जितने भी ब्रिटिश कश्मीरीज हैं वो मुख्तलिफ शहरों से, उनमें एक तरह से ये जरूरत का एहसास पैदा हुआ है कि हमें इनमें हिस्सा लेना चाहिए। और ये कहना कि ये सिर्फ ब्रिटिश कश्मीरी है जायज नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त बहुत से जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरियों के साथ साथ, वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, और जाहिर है कि उनका जो हिस्सा लेने की बुनियादी वजह है वो ये है कि वहां पर जो हकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो जुल्म और सितम हो रहा है, तो उस वजह से। और कुछ लोग, जाहिर है इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पर जो ये समझते हैं कि ये आजाद कश्मीर का जो झंडा नहीं सिर्फ होना चाहिए, पाकिस्तान का भी होना चाहिए, तो इस वजह से कुछ जगहों पर कभी जो खास तौर से जो लंदन में ट्राफाल्गर स्क्वायर में जो हुआ था मुजाहरा, वहां पर इस पर बदमजगी भी हुई थी। तो इसके लिए फिर एक एथिकल कोड भी जारी किया गया कि आप प्लीज जरूर आए मुजाहरे में, सपोर्ट करें, लेकिन झंडे ना लेकर आए, क्योंकि इससे एक तो ये तासर जाता है कि ये जो लोग मुजाहरे कर रहे हैं ये पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी करवा रहे हैं, और फिर ये इंडिया पाकिस्तान का ही झगड़ा नजर आता है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो जो इस सच्चाई है इस मसले की वो खुले दिल से तस्लीम की जाए कि ये दर हकीकत कश्मीरियों का मसला है, और हम उनकी सपोर्ट करते हैं, हम उनकी हमायत करते हैं कि वो जो भी फैसला करें ये फैसला उन्होंने करना है। हमने आज कोई नारा लगाकर ये नहीं कहना है कि ये, मतलब ये जो पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो ये मेरे ख्याल में ये इस मसले को उसकी हैसियत को चेंज करने वाली बात है, और ये इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लोग फैसला करेंगे तो लोग जो भी फैसला करेंगे वो करेंगे। तो आप इस तरह से अगर करते हैं तो फिर जो इंडिया वाले वहां नारा लगाते हैं ये अटूट अंग है हमारा, तो इसमें से कोई फर्क नजर नहीं आता। मेथड में फर्क हो सकता है लेकिन मकसद एक ही नजर आता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है जो सब जो लोग नहीं कहते हैं, और क्योंकि जो कहे तो फिर उसको अजीब अजीब खिताबात मिलने शुरू हो जाते हैं, तो ये मेरे ख्याल में सही नहीं है। इसका जो तरीका कार है वो यही है कि आपका मसला है, आप जो भी फैसला करें हम आपके साथ हैं। तो यही गैर मशरूत या जो सपोर्ट होती है किसी भी सॉलिडरिटी की, यकजहती की, वो यही होती है, चाहे वो आप साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड के खिलाफ करें, चाहे पलस्तीनियों के हवाले से करें, चाहे दुनिया के किसी भी मजलूम महकूम जो सप्रेस्ड लोग हैं उनके बारे में करें, तो एंड ऑफ द डे आप उनको गैर मशरूत हमायत देते हैं। तो मशरूत जो हमायत होती है उसमें फिर मसला होता है। तो इसलिए ये दोनों तरफ से जानने की जरूरत है
ضروری نہیں ہے کہ جو بھی پاکستانی وہاں سپورٹ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, جنونلی لوگ سپورٹ بھی کرتے ہیں. اور میں جانتا ہوں بے شمار میرے دوست جو ہیں پاکستانی بھی اور انڈینز بھی بے شمار جو غیر مشروط حمایت کرتے ہیں کشمیریوں کی. اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں بھی جو جتنے بھی کشمیری یہ مظاہرے آرگنائز کرتے ہیں یا ان کے جو لیڈرز ہیں یا ان کے جو پبلسٹی کرتے ہیں, وہ یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو بھارت میں اس وقت جو حکومت ہے ہندوتوا کی, اس کی جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے, ہندوتوا کا جو نظریہ ہے کہ یہ تمام علاقہ جو ہے یہ جو ہندو ہوتا تھا اب اس کو دوبارہ ہندو بنانا ہے, تو یہ جو سوچ ہے جس کی بنیاد پر اب وہ پالیٹکس کر رہے ہیں اس کے خلاف ہیں سب لوگ. اور اس میں کروڑوں انڈینز بھی جو ہیں اور ان میں ہندو بھی شامل ہیں جو اس سوچ کے خلاف ہیں. تو اس لیے یہ چیز ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے, اور تمام ہندوؤں کو یا تمام بھارتی عوام کو اس میں نہیں شامل کرنا چاہیے. اور اسی طرح جو پاکستان کے وہ تمام عوام جو اس موقع پر کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, ان سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں, ان سے ان کی حمایت کا اظہار کر رہے ہیں, ان کا احترام لازم ہے. اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ پورے پاکستان والے ایسے, یا یہ حکمرانوں کا اصل میں جب دیکھیں پاکستان کے حوالے سے تو حکمرانوں نے ہمیشہ ایسی پالیسیاں کی ہیں کہ جس سے کشمیریوں کو نقصان پہنچا ہے, لیکن عوام نے ہمیشہ کشمیریوں کی غیر مشروط حمایت کا بھی اعلان کیا ہے. اس میں کچھ لوگ تھے جو سرکاری ہوتے ہیں, جو ادھر بھی سرکاری ہیں ادھر بھی سرکاری ہیں, جو صرف مطلب اب یہ ہمارا جو JK TV ہے اس پہ ہم جو پروگرام کرتے ہیں تو ہمیں مطلب پہلی بار نظر آتا ہے کہ چونکہ ہم پاکستان یا بھارت سے الحاق کی باتیں نہیں کرتے ہیں, ہم ان کی تعریفیں نہیں کرتے ہیں, تو ہم دونوں پہ کریٹیسزم کرتے ہیں کیونکہ دونوں کی طرف سے پرابلمز ہیں. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ ایک ہی جیسے ہیں کیونکہ بہت فرق ہے اس وقت, لیکن بنیادی طور پر تو دونوں کا جو اس میں حصہ ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا. تو ہمیں دونوں ہی پھر مطلب ادھر والے کہتے ہیں کہ تم ISI کے ایجنٹ ہو, ادھر والے کہتے ہیں تم را کے ایجنٹ ہو. تو یہ جو سوچ ہے یہ سوچ پرابلم ہے, ورنہ وہ بھارت کے لوگ اور وہ پاکستان کے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کشمیریوں کا ہے, ان کو حق ملنا چاہیے فیصلہ کرنے کا, وہ ہی اپنے اپنے وطن کے اصل میں وفادار ہیں اور اصل میں محب وطن وہ لوگ ہیں. کیونکہ جو دوسروں کو غلام بنانا چاہتے ہیں وہ کبھی خود بھی آزاد نہیں رہ سکتے. اس لیے یہ بہت ضروری بات ہے ذہن میں رکھنے والی. تو اب میں کہ اگر لنڈن سے میرا کسی سے رابطہ ہوا تحسین کے ساتھ یا کسی کے ساتھ, تو میں آپ کو ان کی باتیں بھی سنواؤں گا کہ وہ کیا پلان کر رہے ہیں کیا ہوگا. البتہ میرے پاس کچھ تفصیلات موجود ہیں کہ وہاں جی جاوید صاحب کہتے ہیں کہ آئی ہیو جوائنڈ بٹ نو پکچر وچ از اسٹرینج. اینی وے تو میرے پاس جو تفصیلات ہیں میں آپ کو وہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہاں کل کیا ہوگا, اس کی جو آئٹنری جس کو کہتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہو کر کدھر جائے گا, یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اگر ایک مجھے 2 منٹ دے دیں میں آپ کو یہ پڑھ کے سنا دوں گا کہ کل وہاں کیا کیا ہو رہا ہے. جی میں یہی ہوں, میں گیا نہیں ہوں کہیں, لیکن میں صرف یہ تفصیلات اس کی دیکھ رہا ہوں, مجھے ابھی ابھی کسی نے بھیجی ہیں کیونکہ وہ ان سے رابطہ نہیں ہو رہا, تو یہ تفصیلات مجھے انہوں نے یہاں بھیجی ہیں اور میں اسی کو ڈھونڈ رہا ہوں.
जी बिल्कुल हाजिर हूँ जी। यस सॉरी अबाउट दिस। ये जो कल हो रहा है लंदन में मुजाहरा 12 बजे, तो इसमें ये इसका तर्तीब जो है सारे दिन की वो इस तरह से है कि 12 बजे सब लोग पार्लियामेंट स्क्वायर में इकट्ठे होंगे, जो लंदन में पार्लियामेंट स्क्वायर है वहां इकट्ठे होंगे। कल के मुजाहरे की बात कर रहा हूँ। और 12 से 2 बजे तक जो है वो पार्लियामेंट स्क्वायर में प्रोटेस्ट है, और उसके बाद 2 से 2:30 बजे तक ये मार्च करेंगे इंडियन सफारतखाने की तरफ। मतलब 2 बजे तकरीबन चलेंगे तो 2:30 बजे वहां पहुंच जाएंगे, और फिर 2:30 से 4:30 बजे तक ये है इंडियन जो सफारतखाना है लंदन में उसके बाहर प्रोटेस्ट है। तो कोचेस जो यहाँ से जाएंगी मुख्तलिफ शहरों से वो पार्लियामेंट स्क्वायर में आपको ड्रॉप करेंगी और इंडियन हाई कमीशन से आपको पिक करेंगी। यानी कि आप जब जाएंगे तो पार्लियामेंट स्क्वायर में वहाँ कोचों से उतरेंगे, मजारे का हिस्सा बनेंगे, फिर मार्च का हिस्सा बनेंगे, और फिर वहां से आप पहुंचेंगे इंडियन एम्बेसी। और वहां जब मजाहरा खत्म होगा 4:30 बजे, तो फिर कोचेज वहां से आपको ले लेंगी, तो इसलिए वापस आपको पार्लियामेंट स्क्वायर नहीं आना पड़ेगा। तो 12 बजे आप पार्लियामेंट स्क्वायर में इकट्ठे होंगे सब लोग जहां से भी जा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से। और ये फिर जो वहां पर मार्च ये प्रोटेस्ट जो है पार्लियामेंट स्क्वायर के अंदर वो 12 से 2 बजे तक रहेगा वहां पर, और उसमें जाहिर है नारेबाजी होगी, शायद कोई तकारीर भी होंगी। और फिर 2 से 2:30 बजे तक जो है ना मार्च जुलूस होगा, जुलूस जाएगा पार्लियामेंट स्क्वायर से इंडियन एम्बेसी की तरफ यानी इंडियन सफारतखाने की तरफ। और फिर 2:30 से 4 बजे तक वहां होगा मुजाहरा, और फिर वहां कोचेज आ जाएंगी और आप अपनी अपनी कोचेज में बैठ के अपने अपने घरों को हो जाएंगे। और उम्मीद है कि ये तो सब जो अमल है ये पूरा पुरअमन तरीके से पाया तकमील को पहुंचेगा। और इसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है मैं जो यो यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर तो वहां से हमें कुछ रब्ता हो गया, जवेद साहब कहते हैं कि मेरा रब्ता नहीं हो रहा, पिक्चर नहीं आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, प्लीज ट्राई अगेन। और तहसीन गिलानी साहब मेरे साथ लिंक हुए थे, पहले टेस्ट किया था हमने, तो वो कहते थे मैं 20-25 मिनट बाद वापस आ जाऊंगा, लेकिन वो भी वापस अभी तक नहीं पहुंचे। तो इसलिए आई डोंट नो कि अगर कोई मुझे वहां से ज्वाइन किया किसी ने तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर बर्तानिया में जाहिर है कि बहुत एहतजाज की बहुत लंबी तारीख है, बड़े बड़े एहतजाज हुए हैं वहाँ, यहाँ पर होते हैं, होते रहेंगे, और समटाइम यहाँ के लोकल लोग भी जो एहतजाज करते हैं उसमें भी मारकटाई हो जाती है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए जो इस एहतजाजों में शरीक होते हैं, कि हमें ये सियासी मसला है, ये सियासी एहतजाज हैं, हकूक इंसानी का मसला है, लोगों को बुनियादी हक नहीं दिया जा रहा अपनी आवाज जो है ना निकालने का, उनकी आवाज को घोंट खामोश कर दिया गया, उनका गला घोंट दिया गया है। और ये इंसानी तारीख में शायद पहली बार हो रहा है कि इतने अरसे तक लोगों को बिल्कुल बुनियादी जरूरत से महरूम रखा जा रहा है जबरन, यू नो गन पॉइंट पर। तो बहुत बड़ा ये जुल्म है, ये ज्यादती है, और इसके खिलाफ जितनी भी आवाज उठाई जाए वो कम है। लेकिन वो आवाज उठाने का जो अंदाज है और जो अल्फाज हैं उससे ये लगना चाहिए कि आप कम अज कम इस इंसानी जो तहजीब है या इंसानी हक है उसकी कदर करने वाले लोग हैं, आप सिर्फ नफरत फैलाने वाले नहीं है, आपको गुस्सा है क्योंकि एक बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। लेकिन ये इस गुस्से का इजहार जिन अल्फाज में होना चाहिए वो मोजब होने चाहिए, वो आवाम के जो जो सुने
उसको यूं नहीं लगना चाहिए कि आपका जो गुस्सा है और आपका जो अल्फाज है, अंदाज है, वो शायद उतना ही तंग नजर है जिनके जितना कि जिनके खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं। उन जैसे नहीं बने, उन जैसे बनकर आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय जो कुछ उनको मिल रहा है, यू नो नेगेटिविटी, कि वो जुल्म कर रहे हैं, वो ज्यादा, वो हो सकता है वो ताकतवर हैं, बहुत ताकतवर हैं, उनको शायद उसका नशा है, वो उसके मान में हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं क्योंकि उनकी जो नजरिया है वो इतना तंग नजर है, वो ये भूल रहे हैं कि इससे भी ज्यादा ताकतवर जो तंग नजर नजरियात वाले थे वो टूट फूट के। तो ये जो जो फासिज्म है ये कोई पहली बार इंडिया में सर नहीं उठा रहा है, जर्मनी में हुआ और मुल्कों में हुआ, तो वहां पर जो लोग थे वो आखिर में जीत गए, जुल्म किए उन्होंने, बहुत लोग मारे, बहुत कत्लेआम हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन एंड ऑफ द डे वो हार गए। तो ये एक और जो लहर है इसके खिलाफ जो एहतजाज करना है, ये सिर्फ वादी कश्मीर की या रियासत जम्मू कश्मीर की या हमारे मुसलमान बहन भाइयों की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया के उन इंसानों की बात है जो फासिज्म के खिलाफ है। क्योंकि और फासिज्म जो है ना वो एक तंग नजर उस सियासी नजरिए का नाम है जिसके पास जब ताकत आ जाती है तो उसमें जो फिट नहीं होता उसको वो वाजिबुल कत्ल हो जाता है, तो इसको फासिज्म कहते हैं। तो हमें जब इत्तेजाज करें तो हमें खुले दिल से इत्तेजाज करना चाहिए, और एक जो डाइवर्सिटी का नजरिया है या डाइवर्सिटी की सोच है कि हम जब इत्तेजाज करने वाले होते हैं तो उनमें मुख्तलिफ नजरियात के लोग शामिल होते हैं। मैं अपने लोगों की अब बात करने लगा हूं, जो हमारे खास तौर से जो आजाद कश्मीर वाले, कि यहाँ ये जो मुजाहरा हो रहा है ये बरतानवी कश्मीरियों का मुजाहरा है। पहली बार मेरे ख्याल में एक ऐसा मुजाहरा हो रहा है जिसके ऑर्गेनाइजर्स को ही बरतानवी कश्मीरी लिखा गया। तो इसका मतलब यह है कि जो भी बरतानिया में कश्मीरी आबाद है वो इसका हिस्सा बन सकता है, चाहे उसका नजरिया इलाके पाकिस्तान का हो, इलाके हिंदुस्तान का हो, खुद मुख्तारी का हो, तकसीम का हो, किसी का भी, क्योंकि रियासत के अंदर मुख्तलिफ नजरियात मौजूद हैं जिस तरह दुनिया के तमाम माशरों में होते हैं। बहुत सी जो तरीके दुनिया की चल रही हैं उसमें मुख्तलिफ लोग, लेकिन वो इकट्ठे काम करते हैं, और यही होता इकट्ठे काम कर सिर्फ इसी तरह किया जा सकता है कि आप एक दूसरे की जो हक है वो तस्लीम करें, आप उसके साथ इत्तफाक नहीं करते, लेकिन आप अगर इस सूरत हाल में जब सब लोगों पर जबर हो रहा है तो अगर आप एक दूसरे के इस हक को तस्लीम कर लेते हैं कि इनका अपना नजरिया है, हमारा अपना नजरिया है, तो फिर आप इकट्ठे एहतजाज जो है इस वक्त जो एहतजाज बनता है वो बिल्कुल बगैर किसी शक और शुबे के भारतीय बीजेपी हुकूमत के खिलाफ बनता है, और ये उन्हीं पर ही फोकस होना चाहिए इस वक्त। बाकी जो हमारे जो इस तरफ वाले मसले हैं वो आप ऑर्गेनाइज करें, सेमिनार करें, डिस्कशन करें, टीवी पे भी हम बात करते भी रहे हैं, आइंदा भी करेंगे, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जो प्रायोरिटी होती है, जो तरजीह होती है वो इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त क्या तरजीह है। और इस वक्त तरजीह ये है कि जो भारतीय मकबूजा इलाके में कर्फ्यू है, पाबंदियां हैं, लोगों पर जबर है, उसको खत्म किया जाए, उससे दुनिया को आगाह किया जाए, और उसके बाद वहां लोगों को जो उनका सियासी हकूक है, पुरामन तौर से जद्दोजहद करना, अपनी सोच रखना, उसका हक होना चाहिए। हम उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, वहां भी बहुत से नजरियात हैं, जरूरी नहीं कि हम सब एक ही सोच के हों, वहां के लोगों की भी अपनी अपनी तरजीहात हैं, अपने अपने मफादात भी हैं, लेकिन जो आवाम है दबे हुए वो हैं इस वक्त, और इस वक्त उनकी बात ही हमें करनी चाहिए। तो इस पॉइंट पे हम सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं, और जितने हम इकट्ठे होंगे इतना ही उसका असर पड़ेगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें से चीजें निकलेंगी, आप चाहें या ना चाहें, मैं चाहूं या ना चाहूं। ये एक अमल है कि ये जो अभी का रद्द अमल है, जैसे तारक रफीक पहले कह रहा था, ये कोई एक दो मुजाहिरों की बात नहीं है, ये लंबी कंपेन है। जिस तरह से बीजेपी ने ये कदम उठाया है
ऐसा मुझे कम से कम नहीं लग रहा कि वो कल ये सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाएंगे और ये बहाल कर देंगे सब कुछ। उसके लिए लंबी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और उस जद्दोजहद में फिर जो बाकी रियासत के इलाके हैं जहां से हम आए हुए हैं वहां के जो मसले हैं उन पर भी हमें बात करना होगी और पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ हमें बैठना होगा और उनसे उनसे दो टोक बात करना होगी कि आप हमारे इस पूरी रियासत के लोगों के हकूक को तस्लीम करते हैं कि या कि सिर्फ उनके उनके हकूक को तस्लीम करते हैं और उनकी बात करते हैं जो जो भारतीय कब्जे के खिलाफ बात करके आपको खुश करते हैं। तो ये पूरा सच जो है ये हमें बोलना ही पड़ेगा लेकिन वक्त के साथ। अभी इस वक्त जो पहली तरजीह है वो ये है कि जो भी नजरिया है आपका जिस जगह से भी आप गए हैं आप वहां लंदन में इस मार्च को एक मौसर मार्च बनाएं और उसको ये बरतानवी कश्मीरियों की आवाज है उसमें चाहे जो भी है पीपल्स पार्टी का है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का है कोई भी है ये तो नजर आ रहा है सबको नजर आता है जो जो कुछ हो रहा है वो सबको नजर आ रहा है कि ये मार्च ये ऑर्गेनाइज किसने किया था और किस तरह जो जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने कहा जी हम सब मिलके करेंगे इसको बजाय इसके काम अपनी जमात से करें तो वो सब लोगों ने मेहनत किया ऑर्गेनाइज किया है और अब कुछ लोग जो वो वहां से आकर वो भी अपना दायरा दिखाना चाहते हैं कि हम भी हैं मौजूद हैं तो लेकिन आप खुले दर्फ की खुले दर्फ का मुजाहरा करें और आए वो भी कश्मीरी है ये तो नहीं है कि वो कश्मीरी नहीं है तो ये ब्रिटिश कश्मीरियों का अगर है तो ब्रिटिश कश्मीरी जहां से भी है और जो वहां से भी आया है जब ब्रिटेन में आया तो वो ब्रिटिश कश्मीरी है तो इसलिए उनको सबको वेलकम करें। अलबत्ता जो उसका पैगाम है वो पैगाम यही होना चाहिए कि ये रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की बात है राइट इस वक्त जो भारतीय ज़ेर इंतजाम या ज़ेर कब्जा इलाका है ये उसके उन लोगों की बात है जो जिनकी आवाज को खामोश कर दिया गया है जिन पर फौजी बिठा दिए गए हैं जिन जो संगीनों के साए में रह रहे हैं जो दिन रात इस जबर के शिकंजे में जकर गए हैं जो बात नहीं कर सकते अपने बच्चों से बात नहीं कर सकते जो बाहर जाकर आजादी से अपने लिए शायद दवाई नहीं ले ला सकते जिनके घरों में शायद अब खाने को कुछ नहीं रह गया तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त इसी पर ही तवज्जो देने की जरूरत है। तो मैं इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहूंगा और जाते जाते आपको सिर्फ फिर बता देता हूं कि 12 बजे कल 12 बजे वहां पर पार्लियामेंट स्क्वायर में आपको पहुंचना है। आप जिन जिन इलाकों से जा रहे हैं उस हिसाब से अपना आप हिसाब लगा रहे हैं कि कितने घंटे लगेंगे आपको और उस तरह वक्त से पहले निकल जाए ताकि वहां पर आप वक्त पर पहुंच जाए और बेस्ट यही होता है कि वक्त से बहुत पहले पहुंच जाए ताकि आपको मुनासिब जगह मिल सके और पार्किंग का भी होता है लेकिन जो कोचों पे जा रहे हैं उनके लिए बेहतर अच्छा है ये बेहतर रहेगा अच्छा है कि वो कोचे उनको वहां ड्रॉप करके फिर वो निकल जाएंगी और जब खत्म होगा प्रोग्राम 4:30 बजे इंडियन स्वार्थखाने के बाद तो वहां से फिर वो उनको उठा लेंगे तो आप वक्त से पहले पहुंच जाएं और वहां पुरमन रहें लेकिन अपनी आवाज सुनाएं शोर मचाएं ये जो जुलूस जलसा है इसमें शोर ही तो मचाया जाता है तो वो अब लेकिन जो नारे लगाएं जो बातें करें वो सियासी तरीके से करें मौजब तरीके से करें गाली गलोच और मुतनफर मतलब नफरत अंगेज चीजें जो किसी पूरी कम्युनिटी के खिलाफ हूं ऐसा मत करें। हिंदुत्व आपका जो जुल्म कर रहे हैं वो हिंदुत्व का जो हुकूमत है वो कर रही है बीजेपी वाली तो हुकूमत को आप कहें जो भी कहना है पूरी हिंदू कम्युनिटी को ना कहें। यहाँ बर्तानिया में बेशुमार हिंदू हैं जो इस चीज के खिलाफ हैं जो वो उनकी हुकूमत कर रही है जिस तरह जब पाकिस्तान की हुकूमत कुछ करती है तो यहाँ लोग उसके खिलाफ भी होते हैं तो वो पूरे पाकिस्तान की बात नहीं हो रही होती है इसलिए आप ये चीजें समझें और इस माशरे में बहुत जरूरी है कि आप ये चीजें इस तरह से सीखें और ताकि आपको कोई इस्तेमाल ना कर सके क्योंकि जो सियासी ये जो इश्तआल होता है क्योंकि आप दुख फील करते हैं आपको गुस्सा होता है अगर आप उसकी उसको ये समझ भी नहीं रहे कि ये हो क्या रहा है
सिर्फ एक गुस्से की ही वजह से आप सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आपको इस्तेमाल करने वाले भी आ जाते हैं और इस्तेमाल कर भी जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसको, एक इंसानी हकूक का मसला है और एक पूरी कौम के हक के खुदरादियत का मसला है, ये दो बुनियादी बातें हैं। और हक के खुदरादियत गैर मशरूत, उसमें वो कोई भी फैसला करे, और उसकी हमायत करनी चाहिए पाकिस्तान के लोगों को भी और भारत के लोगों को भी और उनके हुक्मरानों को भी, अगर वो वाकया ही जमहूरी वहां निजाम चाहते हैं और अमन चाहते हैं साउथ एशिया में। तो अगर तो वो जंग चाहते हैं तो फिर तो जाहिर है वो अमन वाली बातें क्यों करेंगे, लेकिन लोगों को कम अज कम सोचना चाहिए और अमन की बात करनी चाहिए। और हमारे लोग जो हैं, खासतौर से रियासत जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उनको भी बिल्कुल ये समझना चाहिए कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, जो जबर हो रहा है, खासतौर से इस वक्त जो वादी में और उसके गिर्द नवा के इलाकों में, वो एक मखसूस हुकूमत कर रही है, पूरी कौम नहीं कर रही है। तो और वादी के अंदर भी गैर मुस्लिम मौजूद हैं और जम्मू में जो बहुत से गैर मुस्लिम है जो गिरफ्तार हैं, जिनके नाम मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाए हैं, और कारगिल में भी हमारे दोस्त जो है ना वो वहां कर रहे हैं, और पीर पंजाल में भी, पुंछ में भी। तो इसलिए इसको, ये एक जबर का मसला है, ये एक ज्यादती का मसला है, ये एक नाइंसाफी का मसला है, तो इसको इस तरह से लें तो बेहतर रहेगा। बहरहाल ये मेरी राय है, आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन मेरा फर्ज था कहना और कह दिया है। और ये कोई साहब हैं, जाते जाते मैं इनको भी पता करता हूँ ये क्या है, ये विनीत यादव साहब हैं, जिन्होंने कोई 100 दफा लिखा हुआ है फ्री बलोचिस्तान फ्री बलोचिस्तान फ्री बलोचिस्तान। तो काश अगर आप आजादी के ही हमायती हैं, तो फिर आपको कश्मीरियों के साथ भी ये जो हो रहा है इसके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि बलोचिस्तान में जो ज्यादतियां पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरफ से की गई हैं, उनके खिलाफ बोलने वाले लोग भी मौजूद हैं, हमने भी उस पर बात की है, और पाकिस्तान के बेशुमार लोग हैं जो उस पर बात करते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो आप लिख रहे हैं, ज्यादती जहां भी हो वो ज्यादती है, ना इंसाफी जहां भी हो वो ना इंसाफी है, जो भी करे वो ना इंसाफी है। और आप जो कुछ आपकी हुकूमत कर रही है उसके खिलाफ बात ना करें, और उस तरफ जो कर रही है उसके खिलाफ तो आसान हो जाता है ना बात करना, तो मजा तो तब है कि जो आपकी हुकूमत कर रही है उसके खिलाफ भी बोलें, और फिर दुनिया के उन तमाम लोगों के लिए बोलें जिनके खिलाफ ज्यादती हो रही है। तो मैं तो इसको समझता हूं कि ये बात है, ये मुनसफाना सोच है, आपकी अपनी मर्जी है। अब इजाजत, अल्लाह हाफिज़।